तो गाइस फाइनली देख सकते हो आप लोगों के सामने और मेरे, मतलब ये जो साइड का फेयरिंग है भाई, इसको मैं बहुत घटिया सोचा था। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर सामने की तरफ झुकना नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये 125 सीसी का बाइक है, लग रहा है कि भाई मैं कोई मतलब 700-800 सीसी का बाइक के ऊपर बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है। मतलब कि जिन लोगों को ये वाला बाइक पसंद नहीं आया, वो लोग शायद यूट्यूब पर ही देखा होगा। सामने का हेडलाइट मुझे एकदम, तुझे पता है मैं जो भी करता हूँ मतलब सडनली करता हूँ, बुक करेंगे भाई। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस आज मुझे जाना है भाई KTM शोरूम, ठीक है। इधर आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर KTM शोरूम कहाँ से हो गया, ठीक है। तो जो लोग मतलब यहाँ से हो उन लोगों को पता होगा भाई कि KTM शोरूम जो था भाई मियाँपुर पर था, ठीक है, मतलब उमरपुर से पहले मियाँपुर, ठीक है। तो वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर छोटा था और मतलब वो जगह भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए शिफ्ट होकर यहाँ पे जो बजाज का शोरूम है ना भाई, उसके ऊपर हो गया है KTM शोरूम, और बजाज के साथ पार्टनरशिप भी है, तो वहाँ पर हो गया है। तो आज मुझे जाना है भाई और ख़बर लेना ही है कि भाई सिर्फ शोरूम ही ओपन किया है या फिर उसके साथ सर्विस सेंटर भी ओपन किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई मुझे ये बाइक, मतलब ये जो KTM भाई, तो इसको सर्विस करने के लिए मुझे जाना पड़ता है बहरमपुर, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। तो भाई बहुत दूर है, तो इसलिए मुझे खबर लेना है और मुझे बाइक ठीक भी करना है ऐसे तो, क्योंकि मेरा फ्यूल पंप का हालत ख़राब है। आप लोगों को पता है भाई कि फ्यूल शो नहीं करता है, नया फ्यूल पंप लगाया, फिर भी आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरे पहले से वीडियो देखते हो, ठीक है। तो मुझे जाना है कि सर्विस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक बात मुझे जानना है कि आप लोगों को पता होगा कि RC 200 और 125 अभी लॉन्च हो गया है, लेकिन 390 का कोई आता पता नहीं है कब लॉन्च होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। चलो आगे चलते चलते आप लोगों को मतलब सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मतलब एक थॉटल मारूंगा और पहुँच जाऊँगा, तो ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं जाऊँगा, नहीं तो बात ख़त्म नहीं होगा मेरा, ठीक है। मैं कि मतलब मुझे बहुत सारा बात करना है अभी ज़्यादा जाते, अगर तेज़ चला जाऊँगा तो कुछ बात आप लोगों को बोल नहीं पाऊँगा। तो देखो भाई जो 390 है, ठीक है, जो मतलब जो RC 390 है, तो मैं वो सोच रहा हूँ लेने के लिए, तो आप लोग मुझे बताना कि वो सही होगा कि नहीं होगा। हाँ मुझे पता है कि जो RC लवर है भाई, ठीक है, मतलब RC जो मतलब पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उन लोगों को लुक पसंद नहीं आया जो अभी वाला RC लॉन्च हुआ है न्यू 2022, ठीक है। तो वो वाला मतलब सबको पसंद नहीं आया है, लगभग सबको क्या भाई 90% लोगों को पसंद नहीं आया है, और मुझे भी पसंद नहीं आया सामने का लुक, ठीक है। बाकी मतलब अगर देखा जाए तो भाई ठीक ठाक है, चलो फिर सामने से देखते हैं कि कैसा है नहीं है, क्योंकि बाइक अभी तक मैं रियली नहीं देखा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा अपना आँखों से नहीं देखा हूँ, मतलब अपना आँखों से ही देखा हूँ लेकिन भाई यूट्यूब पर या वीडियो पर देखा हूँ, ठीक है। तो सामने सामने नहीं देखा हूँ, तो देख लेंगे कैसा है नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा था कि हाँ कि उस बाइक को मुझे मतलब ऐसे तो अगर लुक के लिए लूँ तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि उसके मुकाबले में मतलब 400 सीसी की कैटेगरी में कोई भी बाइक नहीं है। हाँ बहुत लोग आप बोल रहे हैं कि भाई कावासाकी है, मतलब 400 ले लो भाई, ठीक है, निंजा, लेकिन निंजा का मतलब वो मुझे उतना खास नहीं लगता है भाई, ठीक है, मतलब क्यों पता नहीं लेकिन उतना खास नहीं लगता है मुझे, क्योंकि उसका मीटर वगैरह भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन ये RC जो 390 है भाई, इसका लुक बहुत अच्छा है, उसके साथ मतलब जो मीटर है वो भी अच्छा है, ठीक है, मतलब लुक उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है भाई, ठीक है। तो अभी देख सकते हो 28, मतलब NH पर 28 चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही शोरूम है, तो मुझे बात करना था आप लोगों से और भी बात करना है, तो पहले चलिए चलते हैं ऊपर और जाके दिखाते हैं आप लोगों को पहले बाइक, एंड उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही पार्क कर लेते हैं बाइक को। तो गाइस फाइनली देख सकते हो आप लोगों के सामने और मेरा सामने है भाई RC 125, ठीक है। इसका लुक देख लो पहले, मतलब मैं जैसे कि आप लोगों को बोलते बोलते आया भाई कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही देखा हूँ इसका रिव्यू वगैरह, मतलब यूट्यूब पर ही देखा हूँ इस बाइक को, लेकिन ओरिजिनली नहीं देखा था, ठीक है, अभी मेरे आँखों के सामने है। तो मतलब जितना घटिया सोच रहा था ये बाइक होगा भाई, उतना भी घटिया नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो साइड का फेयरिंग है भाई, इसको मैं बहुत घटिया सोचा था, लेकिन इतना भी घटिया नहीं है, मतलब जितना सोचा था भाई, मतलब ज़्यादा ही सोच लिया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सामने से आप लोगों को थोड़ा निराश होगा भाई, ठीक है, मतलब जो लोग RC लवर हो, मतलब पहले का जो RC का लुक था भाई जो, ठीक है, वो आप लोगों को मतलब देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों को निराश होना पड़ेगा, ये मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा चीज़ कर दिया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डिजिटल मीटर दिए दिया, पूरा फुल्ली डिजिटल है, पहले भी डिजिटल था लेकिन ये अभी स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया है और ये अच्छा भी लगता है दिखने में, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासियत है, एंड आप लोगों को मैं सामने से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। और अभी यहाँ पर पार्किंग लाइट है और यहाँ पर इंडिकेटर आप लोगों को मिल जाता है साइड में ही, ठीक है। पहले यहाँ पर मिरर में मिलता था, लेकिन पहले दिक्कत क्या था कि अगर मिरर टूटा था, मतलब मिरर का प्राइस और जो भाई इंडिकेटर का प्राइस एक साथ ही था, मतलब अगर मिरर टूटेगा तो आप लोगों का टर्निंग जो मतलब इंडिकेटर है भाई वो भी टूट जाता था। तो अभी यहाँ पर अलग अलग डेडिकेटेड कर दिया है, ठीक है, तो अच्छा किया है भाई।
तो आप लोग एक बार पूरा इस बाइक को देख लो ठीक है। यहाँ पर पीछे से भी बहुत ही खतरनाक लुक आ रहा है, मतलब पहले जो मतलब यहाँ पर मैं आप लोग बैठ कर एक बार दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर सामने की तरफ झुकना नहीं पड़ रहा है, मतलब ये ठीक ठाक है ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, बहुत ही मतलब यहाँ पर जो बैठा हूँ ना इस बाइक के अंदर, तो मतलब बाइक के अंदर क्या भाई, बाइक के ऊपर, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये 125 सीसी का बाइक है, लग रहा है कि भाई मैं कोई मतलब 700-800 सीसी का बाइक के ऊपर बैठा हूँ ऐसा लग रहा है, मतलब इतना हेवी बना दिया गया है। और मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में भाई, गजब गजब लग रहा है दिखने में, आप लोग देख सकते हो इधर से भी ठीक है। तो आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा भाई कि जिन लोगों को ये वाला बाइक पसंद नहीं आया वो लोग शायद YouTube पर ही देखा होगा ये मतलब किसी वीडियो पर, लेकिन आप लोग एक बार मतलब शोरूम पे विजिट करो भाई, आके देखो कि कैसा है नहीं है। और ये शोरूम है भाई तालाई मोड़ पर ठीक है। और यहाँ पर ये भी मतलब ये ऑरेंज कलर में है, इसको भी देख सकते हो आप लोग, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऑरेंज ब्लैक में है और ये सिर्फ ब्लैक में है ठीक है। मतलब ये भी ऑरेंज है हल्का सा ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही ब्लैक है, ऐसा नहीं है, देख सकते हो। तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन सामने का हेडलाइट मुझे एकदम मतलब पहले से मुकाबला बहुत ही घटिया लगा भाई ठीक है। और मुझे लेना है भाई RC 390। तो 390 क्यों लेना है पता है भाई, यहाँ पर TFT डिस्प्ले मिलता है, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर TFT डिस्प्ले नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर एक डिस्प्ले है डिजिटल डिस्प्ले भाई ठीक है, लेकिन TFT मतलब कलरफुल डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 390 के अंदर कलरफुल डिस्प्ले आता है जो ड्यूक 390 है उसी की तरह सेम टू सेम ठीक है। तो उसी का इंतज़ार में मैं था, मैं सोचा था कि कर देगा भाई अब अपग्रेड, लेकिन जो अपग्रेड किया भाई इतना ज़्यादा अपग्रेड कर देगा मुझे ये पता नहीं था, मतलब पूरा ही चेंज कर दिया भाई। तो मुझे लेना है भाई RC 390, तो RC 390 मुझे लेना है, क्योंकि देखो सामने से तो आप लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगा, मतलब आप लोग एक आध बार ही देख पाओगे सामने से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जब मतलब मोटर व्लॉग बनाऊंगा तो भाई बैठ के बनाऊंगा तो आप लोगों को इधर से दिखेगा, तो इधर से तो बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि कलरफुल डिस्प्ले मतलब TFT डिस्प्ले रहेगा तो अच्छे से दिखेगा आप लोगों को सामने, मतलब सामने से कितना बार ही दिखाऊंगा भाई, मैं तो वीडियो बनाऊंगा मोटर व्लॉग तो पूछ लेते एक बार। मैं बोल रहा था कि RC 390 कब आएगा, तो मैं अगर अभी मतलब बुक करवा दूँ तो बुकिंग चल रहा है, वाह मुझे पता ही नहीं था बुकिंग चल रहा है, मतलब अगर मतलब आज ही अगर बुक करवा दूँ तो फास्ट वीक में मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। तो भाई बोल रहा है मतलब मैं पूछा कि आप लोग तो सुन ही लिए हो यार कि अगर मैं अभी बुक करूँगा तो मुझे फेब्रुअरी का फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगा, तो आप लोग गेस करो भाई कि मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब क्या ही कर सकता हूँ। बुक करेंगे भाई ठीक है, आज ही बुक करेंगे ठीक है ना भाई, आज ही बुक करेंगे। तू सोच, तू मैं मतलब ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में बता रहा हूँ, बुक करेंगे आज ही, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तुझे पता है मैं जो भी करता हूँ मतलब सडनली करता हूँ। बुक करेंगे भाई ठीक है, बुक करवा लेते ठीक है, तो अभी बुक करवा लेते हैं भाई, और करवाने के बाद मैं आप लोग बताता हूँ ठीक है। तो जल्दी से बाइक आ रहा है भाई, तो अभी कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं।